खाने में आटा, नमक में टाटा और जूतों में बाटा, ये केवल तीन शब्द नहीं है बल्कि पिछली तीन पीढ़ियों से स्वीकार किया गया एक लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है। बहुत लोगों को लगता है कि आटा और टाटा जितने शुद्ध रूप से भारतीय है, बाटा कंपनी भी उतनी ही शुद्ध भारतीय है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाटा कंपनी भारतीय नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये एक विदेशी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना यूरोप के एक छोटे से देश चेक रिपब्लिक में हुई थी। 128 साल की उम्र, 5300 आउटलेट्स, 32,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज और सालाना 15 करोड़ जूता बेचने वाली बाटा कंपनी का विस्तार दुनिया भर के 75 से भी ज्यादा देशों में हो चुका है। तो सवाल यह है, नाइकी, आदिदास और रिबॉक जैसे बड़े ब्रांड से टफ कॉम्पिटिशन मिलने के बावजूद भी इतने सालों से बाटा सर्वाइव कैसे कर रही है? बाटा के इतने बड़े बिजनेस एम्पायर और एक्सपांशन के पीछे रीजन क्या है? पूर्ण रूप से विदेशी होने के बावजूद भी बाटा हमें इतनी शुद्ध देसी कंपनी क्यों लगती है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 अगस्त 1894 से, जब टॉमस बाटा नाम की एक व्यक्ति ने अपने भाई एंटोनिन और बहन एना के साथ चेक रिपब्लिक में T&A बाटा शू कंपनी की स्थापना की थी। टॉमस का परिवार कई पीढ़ियों से मोची का काम करता था। सिर्फ 10 एम्प्लॉयज को साथ में लेकर टॉमस ने अपनी बिजनेस की नींव रखी थी। 1895 में टॉमस को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था और इस क्राइसिस से बाहर आने के लिए टॉमस ने चमड़े के बजाय कैनवास से जूते बनाने का फैसला किया। सरल, हल्के और किफ़ायती इस प्रकार के जूते बहुत ही पॉपुलर हो गए। जूतों का प्रोडक्शन और सेल दोनों भी बढ़ने लगे। एम्प्लॉयज़ की संख्या भी अब 10 से बढ़कर 50 तक हो गई। जूतों की मैन्युफैक्चरिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए, मास स्केल प्रोडक्शन की तकनीक सीखने के लिए 1904 में टॉमस 6 महीने के लिए अमरीका गए और लौट कर आने के बाद बड़े पैमाने पर जूतों का निर्माण शुरू कर दिया। इसकी वजह से बाटा शू कंपनी यूरोप में सबसे बड़े शू मैन्युफैक्चरर के रूप में उभर कर सामने आई। 1912 तक बाटा में काम करने वाले लोगों की संख्या 600 से ज़्यादा हो गई थी और जर्मनी, बाल्कन और मिडल ईस्ट के अन्य कुछ देशों में भी बाटा की फैक्ट्री खुल गई थी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कंपनी को आर्मी के लिए जूते बनाने का एक बहुत बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जिससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा और कर्मचारियों की संख्या भी 10 गुना तक बढ़ गई। कंपनी ने ज़िलिन, प्राग, लिब्रेक, वियना और प्लजेन के अलावा दूसरे शहरों में भी अपने स्टोर खोल दिए। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबल रिसेशन ने कंपनी को बैकफुट पर धकेल दिया। मंदी के कारण डिमांड घट गई, प्रोडक्शन रुक गया और रेवेन्यू भी खत्म हो गया। गोडाउन में स्टोर किए गए जूतों को बेचने के लिए और मंदी से उभरने के लिए बाटा ने अपने सभी प्रोडक्ट्स को आधी कीमत पर बेचने का फैसला किया। फ्लैट 50% की छूट देने वाली बाटा उस समय की पहली कंपनी थी। 50% डिस्काउंट की ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और धीरे धीरे कंपनी की साइज, सेल्स और प्रॉफिट सब कुछ बढ़ने लगा। जहां दूसरी कंपनियां ग्लोबल रिसेशन की वजह से बंद हो रही थी, वहीं पर 1923 से 1925 तक बाटा ने रैपिड एक्सपांशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच बाटा ने साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का बखूबी इस्तेमाल किया। उनके किसी भी प्रोडक्ट्स की कीमत 9 में समाप्त होने वाले आंकड़े के साथ ही होती थी, जैसे कि 99, 199, 499, 999, राउंड फिगर नहीं करना है, लास्ट में 9 रखना ही है। वैसे देखा जाए तो 999 हजार से सिर्फ एक कम है, लेकिन 9 यह आंकड़ा पहले आने की वजह से कस्टमर के दिमाग में 900 नंबर दर्ज हो जाते हैं। बिजनेस में 99, 199, 499, 999 ये 9 की साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सबसे पहले लेकर आने वाली कंपनी थी बाटा कंपनी। 1926 से 1928 तक प्रोडक्शन में 75% की ग्रोथ हुई। एम्प्लॉयज के नंबर्स में भी 35% की ग्रोथ हुई। एज अ रिजल्ट टॉमस बाटा चेक रिपब्लिक में चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 1932 में 56 साल की एज में ज़िलिन हवाई अड्डे पर खराब मौसम में उड़ान भरने के दौरान एक विमान दुर्घटना में टॉमस बाटा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कंपनी का कंट्रोल उनके सौतेले भाई जॉन एंटोनिन बाटा और उनके बेटे थॉमस के पास चला गया। टॉमस की मृत्यु के समय बाटा कंपनी के 25 फैक्ट्रीज थे, 1645 स्टोर थे और कंपनी में तब तक 16,560 लोग काम कर रहे थे। 1932 में जब बाटा वाले भारत आए तो उन्होंने देखा कि उस समय यहाँ के लोगों को चप्पल या जूते पहनने की आदत ही नहीं थी। बहुत से लोग नंगे पैर घूम रहे थे और इसी सिचुएशन में उन्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। नंगे पैरों के इस बड़े बाजार को काबिज करने के लिए बाटा ने तुरंत 1932 में कोलकाता के पास कुन्नार नाम के एक छोटे से गाँव में अपना प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया।
इससे पहले 1930 के दशक में भारतीय जूतों के बाजार में जापानी जूतों का बहुत दबदबा था, लेकिन बाटा का प्लांट शुरू होने के महज 2 साल में ये सिचुएशन बदल गई। बाटा जूतों की मांग इतनी बढ़ गई कि फैक्ट्री का एरिया 2 गुना करना पड़ा और कोलकाता के पास के उस पूरे इलाके को लोग अब बाटा नगर के नाम से जानने लगे। कंपनी ने भारतीयों के पैर के अकॉर्डिंग और यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से जूते, चप्पल और स्लीपर बनाए और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी और डिमांड बढ़ने लगी। 1939 तक कंपनी हर हफ्ते 3,500 जोड़े बेच रही थी और इस फैक्ट्री में उस वक्त लगभग 4,000 से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। आज बाटा कंपनी के भारत में 50 से भी ज़्यादा शहरों में अपने खुद के 1,375 रिटेल आउटलेट स्टोर्स है। पिछले 5 साल में 2018 से 2022 तक बाटा ने 12,700 करोड़ रुपए का टर्नओवर करके लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इंडियन फुटवेयर मार्केट में अकेले बाटा के पास मार्केट शेयर 35% से भी ज़्यादा है। तो सवाल यह है, नाइकी, आदिदास और रिबॉक जैसी बड़ी कंपनियों से टफ कंपटीशन मिलने के बावजूद भी बाटा ने यह कैसे कर दिखाया? इसके लिए बाटा ने 4 स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने भारत में अपने पैर जमाने के लिए अफोर्डेबल और कन्वीनियंट शूज़ बनाने पर फोकस किया। जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल सब कुछ भारतीय लोगों के पैर के हिसाब से और जेब के हिसाब से बनाने लगे। इसलिए तो 70, 80, 90 के दशक में उन्होंने इन कैनवास और कपड़े जैसे जूते बनाए। आप में से कई लोगों ने ये जूते पहने होंगे या फिर कई लोगों ने आपके पेरेंट्स से ये जूते लाकर देने की जिद की होगी, क्योंकि उस समय इन जैसे टेनिस शूज को स्कूल शूज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे हल्के, सरल और सस्ते प्रोडक्ट्स लाकर सबसे पहले उन्होंने नंगे पैर वाले भारतीयों को सबसे पहले उनके पैर में कुछ ना कुछ पहनने की आदत डाल दी। 1980 के दशक में जब बाटा को खादिम्स और पैरागोन जैसे कॉम्पिटिटर से मिल रही चुनौती का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कई सारे क्रिएटिव मार्केटिंग कैंपेन्स बनाकर खुद को हमेशा बाजार में सबसे आगे रखने की कोशिश की। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे फोकस करते हुए कई सारे अट्रैक्टिव टैगलाइंस भी पेश किए। उनकी एक टैगलाइन थी, टिटैनस से सावधान रहे, यहाँ तक कि एक छोटी सी चोट भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए जूते पहने। इंडियन कॉन्टिनेंट में अवेयरनेस पैदा करके उन्होंने उन लोगों को जूता पहनने के लिए प्रेरित किया जो पहले जूते पहनने के लिए पूरी तरह से बेपरवाह थे। उनकी एक और फेमस टैगलाइन थी, फर्स्ट टू बाटा देन टू स्कूल। इस तरह के क्रिएटिव कैंपेन्स की वजह से उन्होंने धीरे धीरे बच्चों के जूते का बाजार अपने जेब में डाल दिया। उसके बाद लोगों को नकली सामान और प्लास्टिक की चप्पल से अलर्ट करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो इस तरह से कुछ हटके कैंपेन करने लगे, जिससे लोगों को लगने लगा कि बाटा न केवल हमें चप्पल बेच रही है बल्कि हमारी देखभाल भी कर रही है। इस एड को देखने के बाद आपको भी ये महसूस हो जाएगा। क्योंकि ये मजाक तो सालों से आप ही के साथ खेला जा रहा है। 100 में से 99 प्लास्टिक जूते, सैंडल और चप्पल बनाने वाले आपके ही घर में से फेंकी हुई टूटी फूटी, गंदी और पुरानी प्लास्टिक चीजों को गलाकर ये जूते आदि बनाते हैं। ये 2 रुपए की रद्दी आप 25 रुपए में खरीदते हैं। ये चालू जूते चलते कम और पैरों में जख्म और सर दर्द ज्यादा देते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। इन सबसे छुट्टी पाइए और बाटा संडक अपनाइए, क्योंकि बाटा संडक प्लास्टिक रद्दी से नहीं 100% शुद्ध PVC से बनाए जाते हैं। इसीलिए ये जितने आरामदेह होते हैं उतने ही टिकाऊ भी। बाटा संडक, मुस्कुराहट जो पैरों पे छा जाए। बाटा नगर, बाटा गंज, बाटा अष्टक, बाटा चौक, बाटा सर्कल, बाटा मार्ग, भारत के कुछ शहरों के नाम और कुछ शहरों की जगहों पर बाटा का नाम कई सालों से देखा जा रहा है, इसलिए भारतीयों को ये नाम अपना लगने लगा। शहरों की इस हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वजह से ये कंपनी हमें कभी विदेशी लगी ही नहीं। और दूसरी बात यह है, बाटा ये नाम टाटा इस शुद्ध भारतीय नाम से इतना मिलता जुलता है कि इसकी वजह से लोगों के मन में ये कभी डाउट आया ही नहीं कि ये कंपनी विदेशी हो सकती है। इसलिए तो इनकी मार्केटिंग टीम इतने इमोशनल एड्स करती है। हम कितने पक्के भारतीय ये जताने के लिए अब तो इस कंपनी ने 125 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल लीडर चुना है। IIT दिल्ली के एक स्टूडेंट संदीप कटारिया को बाटा ने 2020 में अपना ग्लोबल CEO बना दिया है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को इंडियन मार्केट की ज़रूरत
और उनके हेड पोस्ट पर इंडियन व्यक्ति का सिलेक्शन होना अब ये नई बात नहीं रही है। 1991 में भारत का बाजार खुलने के बाद नाइकी, अदिदास, प्यूमा, रिबॉक जैसे कई प्रीमियम ब्रांड्स भारत आए और काफी हद तक उन्होंने विस्तार भी किया, लेकिन फिर भी इन कंपनियों को बाटा को भारत से भगाने में सफलता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ के मध्यम वर्गीय व्यक्ति के पैरों के नब्ज बाटा ने बहुत अच्छी तरह से पहचानी थी। पिछले 3 से 4 पीढ़ियों से पूरे के पूरे परिवार को बाटा के चप्पल, जूते, सैंडल और स्लीपर पहनने की आदत भी बाटा ने ही डाली थी, और लोगों को भी बाटा की आदत हो गई है। बच्चे, बूढ़े, पति, पत्नी, दादा, दादी, पोते, फॉर्मल, कैजुअल, स्पोर्ट्स, बाटा ने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराए हैं और वो भी अफोर्डेबल प्राइसिंग रेंज में। बाटा 1930 से लेकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के कस्टमर को टारगेट कर रही है और इसलिए उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है। वहीं पर दूसरी ओर नाइकी, अदिदास, प्यूमा और रिबॉक जैसे बड़े ब्रांड का कस्टमर अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है और उनका मार्केट साइज कंपैरेटिवली छोटा है। यही वजह है कि बाटा की ग्रोथ और मोनोपोली पर इन कंपनियों के आने के बाद भी कोई बड़ा असर नहीं हुआ। अब नई पीढ़ी जो स्टाइलिश है, कूल है, उनको भी अपने रडार में लाने के लिए बाटा ने कीर्ति सेनन, कार्तिक आर्यन, दिशा पाटनी, सुशांत सिंह इन जैसे युवा ब्रिगेड को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पिछले 70 सालों में इस कंपनी ने कई सारे एक्विजिशंस भी किए हैं, कभी कंपटीशन में बने रहने के लिए, कभी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो कभी कंपटीशन को खत्म करने के लिए ऐसे एक्विजिशंस करते रहना जरूरी होता है। बाटा ने अब तक जिन कंपनियों को एक्वायर किया है उनकी इस लिस्ट पर भी नजर डालोगे तो भी आपको पता चलेगा कि 128 साल से ये कंपनी क्यों टिकी हुई है। पैसे की कमी के कारण चमड़े के बजाय कैनवास के जूते बनाने से लेकर आज हर साल 15 करोड़ जूते बनाने तक बाटा कंपनी की ये कहानी आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि YouTube बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।